இருப்போம் என்பதை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். அன்பு மெம்பர் சுமிதானந்த் சரஸ்வதி. धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चंद्रयान 3 की सफलता के ऊपर ये चर्चा करने का मौका दिया है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, जहां हमारे देश के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने एक सफल कार्यक्रम आयोजित किया, 14 जुलाई को चंद्रयान ने पृथ्वी से उड़ान भरी और 23 अगस्त को सफलतापूर्वक जब चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के ऊपर यह चंद्रयान उतरा, जहां का वातावरण अलग ही रहता है, 200 डिग्री माइनस तक का टेम्परेचर जाता है, अंधकार छाया रहता है, ऐसे स्थान के ऊपर यान को उतारने वाला भारत दुनिया का प्रथम देश बना। इसलिए मैं देशवासियों को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और हमारे सभी साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारा देश ऐसा देश है जो ऋषियों का, मुनियों का देश है। अभी चिदंबर जी बोल रहे थे, उससे पहले हमारे कई वक्ताओं ने इस विषय पर रखा, हम कई बार भटक जाते हैं। जब कोई अध्यात्म की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो विचलित होने का प्रयास करते हैं। हम जब अपने प्राचीन साहित्य को देखते हैं, इतिहास को उठा करके देखते हैं, वेदों को देखते हैं, तो हमारे यहां प्राचीन साहित्य में इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। हम अपने प्राचीन ऋषियों को देखते हैं, ऋषि का अर्थ क्या है? ऋषियों मंत्र दृष्टारः, जो विचार पर, मंत्र पर विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। और मैं तो निवेदन करूंगा कि जो आधुनिक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, ये हमारे आधुनिक ऋषि हैं। इन्होंने देश को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है, देश का नाम समुज्ज्वल किया है। हम यदि रामायण काल को देखेंगे, उसमें भी हमारे यहां बहुत सारे इस प्रकार के वैज्ञानिक थे। पुष्पक विमान का उल्लेख रामायण में मिलता है, जो साउंडलेस था, ध्वनि रहित था। हमारे यहां भास्कर आचार्य का जो ग्रंथ है बृहद विमान शास्त्र, मैंने उस ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ा है, एक संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते। उसमें जिस प्रकार के विमानों का उल्लेख मिलता है, आज भी साउंडलेस विमान हम तैयार नहीं कर पाए हैं। और रात्रि को जो विमान उड़ते थे तो अंधेरे के अंदर भी दिखाई देता था। तो उस स्थान तक पहुंचते पहुंचते हमारे दुनिया के वैज्ञानिकों को भी अभी अध्ययन करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। हमारे के जो दर्शन के विद्वान थे, गौतम थे, कणाद थे, कपिल थे, उन्होंने परमाणु के ऊपर और अणु पर जो विचार किया, हमने उन दर्शनों को कई बार नास्तिक दर्शन कह दिया। जिस ग्रंथ के अंदर यदि धर्म की चर्चा नहीं, हम उसको नास्तिक कह देते हैं, और यदि धर्म की चर्चा होती उसको हम अंधविश्वास कह देते हैं। ये दोनों का समन्वय जब तक नहीं होगा, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, एक पक्षी जैसे उड़ान भरता है, पक्षी के एक पंख को बांध दीजिए, एक पंख को बांधने के बाद पक्षी उड़ान नहीं भर सकता। यदि मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण विकास करना चाहता है, कोई भी देश पूर्ण विकास करना चाहता है, वो बिना अध्यात्म के आगे नहीं बढ़ सकता। अध्यात्म से विल पावर मिलता है, विल पावर क्या करता है? जैसे आपने देखा, हमारा एक साल पहले एक यान हमारा असफल हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साइंटिस्ट के बीच में गए और उनकी पीठ थपथपाई, उनको धीरज बंधाया। यदि हम उसमें निराश हो जाते, हताश हो जाते और हमारे अंदर विल पावर नहीं होती, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। और उसका परिणाम यह निकला कि विल पावर के कारण, आत्मबल के ऊपर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते एक साल के बाद में हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे वैज्ञानिकों ने वो काम करके दिखा दिया जिसको पूरी दुनिया ने लोहा माना है। एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, जहां हमारे साइंटिस्ट माने सोमनाथ जी
कि टीम ने काम किया, उसके साथ साथ में जो और भी लोग थे, जैसे प्राय मैं कई बार एक निवेदन किया करता हूं, गाड़ी है, कई करोड़ की गाड़ी है, लेकिन उसमें से अगर वाल कर निकाल दिया जाए तो उसमें टायर में हवा नहीं ठहरेगी, तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए का इंजन हो और साधन हो, यदि वाल की कीमत को हम नहीं समझेंगे तो वो गाड़ी चल नहीं सकती। इस काम के अंदर एक छोटे से छोटा साइंटिस्ट, आज हम इस भव्य भवन के बीच में है, नई पार्लियामेंट में है, इसमें एक सामान्य कर्मचारी भी जिसने छोटा सा काम किया है, जो पानी पकड़ाने का काम करता था, सीमेंट और गारा बनाने का काम करता था, पत्थर पकड़ाने का काम करता था, गाड़ी में पत्थर लादने का काम करता था, उसका भी इतना योगदान है जितना किसी आर्किटेक्ट ने इस भवन को बनाया और इंजीनियर ने इसमें सहयोग दिया। ठीक इसी प्रकार इससे हमारा जो ये यान चंद्रमा पर पहुंचा, उस चंद्रमा पर पहुंचने तक यान में जितने लोगों का सहयोग रहा है, एक सामान्य कर्मचारी जो उनकी टीम के अंदर काम करता था वो उसमें भागीदारी था। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा देश तो इतना समृद्ध था, हमारी संस्कृति में स्पष्ट आता है, एत देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः है स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरेण पृथ्वी सर्व मानवः। हमारे देश के ऋषियों के चरणों में तो नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी, अभी G20 हुआ, माने प्रधानमंत्री जी जहां खड़े थे उसके बैकग्राउंड के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय का एक बैकग्राउंड दिया, इसलिए दिया कि दुनिया के विद्वान आए थे, दुनिया के नेता आए थे, राष्ट्राध्यक्ष आए थे और आए थे, उन्होंने आकर के जब उसको देखा और उनको बता भी रहे थे, समझा भी रहे थे कि हमारा देश कभी भी ऐसी स्थिति नहीं रही है, बीच में गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े गए और गुलामी होने के कारण हम विकास नहीं कर पाए, लेकिन हमारी जो प्राचीन धरोहर थी उस धरोहर का स्मरण करेंगे, उसका स्मरण करके उसके ऊपर अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो हमारे देश ने उड़ान भरी है और अभी चंद्रमा के साथ साथ में सूर्य की तरफ बढ़े हैं, सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमारे साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं। मैं जब प्राचीन साहित्य को पढ़ता हूं तो प्राचीन साहित्य में उल्लेख मिलता है कि अन्य ग्रहों के ऊपर भी मनुष्य हो सकता है, इस पर हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों को मैं सबसे बड़ा आभार इसलिए करना चाहूंगा, कोई भी वैज्ञानिक किसी काम को करता है फुल स्टॉप नहीं लगाता है, वो आगे के लिए रिसर्च का काम छोड़ देता है, अनुसंधान का काम छोड़ देता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जिस काम को किया है चंद्रयान 3 के ऊपर और दूसरे इसके ऊपर, प्रारंभ से लेकर के देश की आजादी के बाद में जब से इस काम इसरो का काम प्रारंभ हुआ या हमारी जितनी अन्य रिसर्च सेंटर हैं उनमें काम हुआ, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। और खास तौर से आज ये महिला बिल आया है, मैं उन बहनों को भी, महिलाओं को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा जो इसमें शामिल थी, हमारी नंदिनी हरिनाथ, डॉक्टर रितु कारीधाल, श्रीवास्तव जी, मिनल जी, रोहित, अनुराधा, टीके सहित अनेक महिलाएं जो इसमें थी, मेरे क्षेत्र की भी एक बेटी इस टीम के अंदर सम्मिलित थी, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और मैं आशा करूंगा कि हम अपनी प्राचीन अध्यात्म की धरोहर को लेकर के, प्राचीन दर्शन शास्त्र वेदों की धरोहर को लेकर के और आधुनिक विज्ञान का समन्वय करके इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः माने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, कई बार हमें ये कहते साहब आप इनका धन्यवाद क्यों कर रहे हो, किसी के किए हुए उपकार को न मानना कृतज्ञता होती है। और हमारा शास्त्र कहता है कि दुनिया में सभी पापों का प्रायश्चित हो सकता है लेकिन कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं हो सकता, इसलिए हमें उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। तो माने प्रधानमंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में बजट दे करके, और जिस दिन प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती से यहां पहुंचे, मैं प्राय सुबह टेलीविजन नहीं खोलता हूं, लेकिन सुबह एक्सरसाइज कर रहा था, मैंने टेलीविजन खोला और प्रधानमंत्री सीधे बेंगलुरु गए और वैज्ञानिकों के सामने जब जाकर के कहा कि मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, देश की दुनिया का एक सबसे बड़ा नेता और हमारे साइंटिस्ट के सामने जाकर के जब उनके सामने कहता है मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, आप अनुमान लगा सकते हो कि हमारे साइंटिस्ट का कितना प्रोत्साहन बढ़ा होगा, कितना उत्साह बढ़ा होगा। और उत्साह बढ़ने पर ही आदमी काम करता है। तो मैं पुनः माने प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी वैज्ञानिकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करूंगा कि हमारा देश दुनिया की बुलंदियों को नापे और ये देश आगे बढ़ता चला जाए, हमारे प्राचीन ऋषियों के जो भाव थे वो भाव सफल हो। धन्यवाद। जय भारत। यादव।